इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट स्नेक पिंकी और ग्रीन स्नेक शिंकी जिंगशांग टेंपल पर अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टेंपल के मास्टर ने बंटी को अपने वश में कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बंटी और पिंकी एक दूसरे से प्यार करते थे और वो नहीं चाहते थे कि शैतान और इंसान का मिलन हो, क्योंकि उनका काम धरती पर से सभी शैतानों का खात्मा करना था। पिंकी और जिंकी अपनी शक्तियों से जिंगशांग मंदिर पर अटैक कर देती है, लेकिन मास्टर की शक्तियाँ काफी ज्यादा होती है, इसीलिए अपने मंत्रों से टेंपल को चारों ओर से प्रोटेक्ट कर लेते हैं और अपनी सारी शक्तियों से पिंकी और जिंकी पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरती है। फिर मास्टर पिंकी को ली शेंग पेगोड़ा में बंद करने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि ली शेंग पेगोड़ा में ही सभी शैतानों को कैद करके रखा जाता था। ये देखकर पिंकी अपने हेयर पिन की मदद से उस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसका पिन भी टूट जाता है और वो ली शेंग पेगोड़ा में कैद होने लगती है। लेकिन उससे पहले वो अपने बच्चे को जिंकी को दे देती है और उसे कहती है कि इसे बंटी को सौंप देना। पिंकी ली शेंग पेगोड़ा में कैद हो जाती है, लेकिन उसका एक रिबिन जिंकी के पास रह जाता है। जिंकी काफी उदास हो जाती है। मास्टर बंटी को लेकर जिंकी के पास आते हैं। जिंकी मास्टर को कहती है कि तुम धर्म के नाम पर हमेशा हमें परेशान करते रहते हो, जबकि हम डेमन ने किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। तो जिंकी उसे कहती है कि तुम्हारे पास लॉर्ड बुद्धा की शक्तियाँ है, इसीलिए तुम हमेशा हमें नुकसान पहुँचाते हो। तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता। यह कहकर मास्टर वहाँ से जाने लगता है। तो जिंकी बंटी को बच्चा सौंपकर मास्टर पर अटैक करने लगती है। ये देखकर मास्टर जिंकी को अपने मंत्रों की मदद से पकड़ लेते हैं और उसे पुनर्जन्म से पहले की दुनिया निर्वाणा में भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही मास्टर अपने मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, तो जिंकी के अंदर से अजीब सी ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है, जो उसे कहीं ले जाती है। ये देखकर मास्टर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब जिंकी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो सिटी में पहुँच गई है, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं होता, जिससे उसे लगता है कि वो भी ली शेंग पेगोड़ा के अंदर आ गई है। इसीलिए अपनी सिस्टर को आवाज लगाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा राक्षस उसकी तरफ आने लगता है। जिंकी उस राक्षस पर अपनी पावर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी पावर चली गई है और वो एक नॉर्मल इंसान बन गई है। राक्षस जिंकी पर अटैक कर देता है। ये देखकर जिंकी किसी तरह से बचकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो राक्षस अभी भी उसके पीछे होता है। भागते भागते जिंकी को एक लड़की दिखाई देती है, जो जिंकी को उससे बचाने के लिए उस राक्षस पर गोली चलाती है, लेकिन वो राक्षस उन गोलियों के वार से बच जाता है। यह देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो दोनों एक पार्किंग लॉट में जाकर फंस जाते हैं। वो राक्षस उन्हें मारने के लिए उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक मास्क वाला आदमी उस राक्षस के ऊपर 2-3 गाड़ियाँ गिरा देता है, जिससे वो राक्षस उन गाड़ियों के अंदर दब जाता है और वो मास्क वाला आदमी जिंकी और उस लड़की को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। वो उन्हें एक सेफ जगह पर छोड़ देता है। तभी जिंकी आसमान में स्नेक का स्टेचू देखती है। तभी वो लड़की जिंकी को बताती है कि मेरा नाम सोफी है। फिर सोफी उसे एक घर में लेकर जाती है, जहाँ जिंकी सोफी से पूछती है कि जिस लड़के ने हमें बचाया था वो कौन था। तो सोफी उसे बताती है कि वो बस एक आम लड़का था जो खुद को हीरो समझता है। फिर सोफी उसे एक सीक्रेट बिल्डिंग में लेकर जाती है, जिसे एक ऑक्टोपस प्रोटेक्ट कर रहा था। जिंकी जब उसके अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर और इंसान मौजूद होते हैं। तो सोफी उसे बताती है कि ऑक्टोपस का एरिया है जो हमें बाहर के सारे मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करके रखता है, और इसके बदले में हम उसे खाना देते हैं। फिर सोफी जिंकी से पूछती है कि तुम कौन सी डायनेस्टी से हो। तो जिंकी उसे बताती है कि मैं सोंग डायनेस्टी से हूँ। तो सोफी उसे कहती है कि यह डायनेस्टी तो 1000 साल पुरानी है और अभी हम असुर विले में है। असुर विले एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ से वो लोग आते हैं जो सर्वाइव करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यह ना तो स्वर्ग लोक होता है और ना ही नर्क लोक। फिर सोफी उसे ये भी बताती है कि यहाँ सभी डायनेस्टी के इंसान और मॉन्स्टर रहते हैं, और मैं भी यहाँ 2 महीने पहले ही आई थी। फिर वो उसे अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ उसे कहती है कि यहाँ वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो ताकतवर हो। इसीलिए सोफी जिंकी को गन और बाइक चलाना सिखाने लगती है। साथ ही जिंकी अपने लिए चाकू से एक स्पेशल हथियार भी बना लेती है, और अब जिंकी कुछ ही दिनों में बाइक और गन चलाना सीख जाती है। तभी एक दिन अचानक बुलेट मॉन्स्टर का लीडर विलियम अपने सभी मॉन्स्टर के साथ उस बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए आ जाता है, जिसमें जिंकी और सोफी रहा करते थे, क्योंकि उन्हें कहीं से खबर मिल गई थी कि इस बिल्डिंग में इंसान और डेमन छिपे हुए हैं। यह देखकर सोफी और जिंकी अपना सामान लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी बुलेट मॉन्स्टर उस बिल्डिंग के अंदर घुस आते हैं और उस ऑक्टोपस को भी पकड़ लेते हैं। यह देखकर जिंकी और सोफी उनसे बचने के लिए रूफ पर चले जाते हैं। तभी वहाँ एक दूसरे मॉन्स्टर की गैंग भी आ जाती है, जिसका
का लीडर साइमन नाम का एक आदमी था, क्योंकि उन दोनों गैंग के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी, इसीलिए उन दोनों गैंग के लीडर आज भी लड़ाई का ऐलान करते हैं। वहीं सोफी और जिंकी रूप पर रखी अपनी बाइक से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर उन्हें देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनकी बाइक पर अटैक कर देते हैं, जिससे जिंकी और सोफी उन दोनों गैंग के बीच में जाकर गिरते हैं। तभी उनका पीछा करने वाला राक्षस वहां आकर सोफी को जान से मार देता है। ये देखकर जिंकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसे जान से मार देती है। ये देखकर कुछ और बुलेट मॉन्स्टर जिंकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी साइमन जिंकी को बचा लेता है। तभी हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि वो मास्क वाला आदमी जिंकी पर नजर रख रहा होता है। दोनों गैंग के लीडर फाइट का ऐलान करते हैं, तभी वहाँ अचानक बहुत तेज तूफान चलने लगता है और उस तूफान के बीच में से ग्रीन क्रिएचर निकलकर बाहर आने लगते हैं। ये देखकर दोनों गैंग वहाँ से भागने लगती है। जिंकी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वो ग्रीन क्रिएचर इंसान और डेमन को बाइट करके अपने जैसा बनाने लगते हैं, तो जिंकी भी उनसे बचकर वहाँ से भागने लगती है। तभी साइमन वहाँ आकर जिंकी को बचाकर अपने साथ ले जाता है। फिर हमें साइमन की गैंग को दिखाया जाता है, जिसके बहुत से राक्षस घायल हो गए थे, इसीलिए कुछ राक्षस साइमन को कहते हैं कि पहले ग्रीन क्रिएचर महीने में सिर्फ एक बार आया करते थे, लेकिन अभी हर 2-3 दिन में हम पर हमला करते हैं, इसीलिए अब हमें अपनी गैंग मजबूत करने के लिए इंसानों को अपनी गैंग से हटा देना चाहिए। इससे साइमन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सभी को कहता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। फिर साइमन की गर्लफ्रेंड सभी को कहती है कि अगर साइमन नहीं होता तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं होता, क्योंकि साइमन ने तुम्हें उन राक्षसों से बचाया था। तभी एक डेमन गर्ल जिंकी पर अटैक करने लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि वो कमजोर इंसान है, लेकिन जिंकी उस डेमन गर्ल पर अटैक करके उसे ही पकड़ लेती है। तभी साइमन की गर्लफ्रेंड साइमन को बताती है कि हमारे पास फ्यूल खत्म हो गया है, तो साइमन उसे कहता है कि सुबह तक वो आत्माएं वापस चली जाएगी, तब मैं जिंकी के साथ ऑल गुड मार्केट जाकर फ्यूल लेकर आ जाऊंगा। फिर अगली सुबह साइमन जिंकी के साथ ऑल गुड मार्केट की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में कुछ डेमन उन पर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर साइमन जिंकी को ड्राइव करने को कहता है और वो खुद उन डेमन से लड़ने लगता है, लेकिन उन डेमन की संख्या काफी ज्यादा होती है, इसीलिए साइमन फुल स्पीड में कार चलाकर वहाँ से निकलने लगता है। वो धीरे धीरे सभी मॉन्स्टर से बचकर ऑल गुड मार्केट की सीमा में पहुँच जाते हैं और डेमन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि ऑल गुड मार्केट में लड़ाई करने की मनाही थी। फिर साइमन जिंकी को लेकर ऑल गुड मार्केट के अंदर जाता है, जहाँ जाने से पहले उनके सारे हथियार ले लिए जाते हैं। और जब साइमन और जिंकी मार्केट में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही बहुत से मॉन्स्टर शॉपिंग कर रहे थे, साथ ही वहाँ पर वो मास्क वाला आदमी भी होता है जो वहीं पर काम किया करता था। तभी वहाँ उस मार्केट की ओनर भी आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि वही डेमन फॉक्स थी। जिंकी उस डेमन फॉक्स से पूछती है कि हम इस ससुर विले में क्या कर रहे हैं, तो फॉक्स डेमन उसे बताती है कि यहाँ वो इंसान और डेमन आते हैं जो पुनर्जन्म नहीं लेना चाहते, इसीलिए इस ससुर विले को बनाया गया है, और यहाँ जितने भी इंसान या डेमन है उनके पास अपने याद करने वालों की कोई एक न एक चीज जरूर है, जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, जैसे कि तुम्हारे पास तुम्हारी बहन का रिबिन है। तो जिंकी उस डेमन फॉक्स से पूछती है कि मैं इस जगह से कैसे निकल सकती हूँ, तो डेमन फॉक्स उन्हें एक तालाब के पास लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि अगर तुमने इस तालाब में गोता लगाया तो तुम इस ससुर विले से बचकर बाहर निकल सकती हो, लेकिन इस पानी में कूदना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तुम जैसे ही इस पानी में कूदोगी तो तुम्हारे अंदर से उस इंसान की सारी यादें मिट जाएगी जिससे तुम बहुत ज्यादा अटैच्ड थे, इसीलिए इस पानी में कूदने की हिम्मत बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। ये सुनने के बाद वो मास्क वाला आदमी अपने पास रखी विसल को पकड़कर तालाब में देखता है, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका था और उसे ये भी याद नहीं था कि वो सबसे ज्यादा किसके साथ अटैच्ड था। लेकिन जब जिंकी उस पानी में देखती है तो उसे अपने बहन की तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी बहन को भूल जाए, इसीलिए वो उस पानी में नहीं कूदती और वो साइमन के साथ फ्यूल लेकर वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी वो ग्रीन क्रिएचर वापस आकर उन पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर वो सभी मार्केट के अंदर भागने लगते हैं। तभी फॉक्स डेमन उन सभी को लेकर नीचे उस तालाब के पास जाने लगती है, लेकिन वहाँ आने से पहले एक डेमन को उन ग्रीन क्रिएचर ने बाइट कर लिया था, इसीलिए वो भी एक ग्रीन क्रिएचर में बदल जाता है और वो वहाँ सभी पर अटैक करने लगता है। ये देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो ग्रीन क्रिएचर उस मास्क वाले आदमी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी साइमन अपनी तलवार से उस ग्रीन क्रिएचर के सर को अलग कर देता है, जिससे वो ग्रीन क्रिएचर मर जाता है। साइमन सभी को बताता है कि इन ग्रीन क्रिएचर को सिर्फ सर काट कर ही मारा जा सकता है।
है। जिंकी साइमन को कहती है कि हमें इस मास्क वाले आदमी को भी हमारे साथ लेकर चलना चाहिए क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी। तो साइमन भी उसकी बात मान लेता है। फिर वो तीनों साइमन के इलाके में पहुँचते है, लेकिन साइमन को वहाँ कुछ अजीब लगता है, इसीलिए खुफिया रास्ते से उन्हें अंदर लेकर जाता है, जहाँ वो देखते है कि विलियम की पूरी गैंग ने साइमन के सभी लोगों को मार दिया है और उनके इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये देखकर साइमन जिंकी और उस नकाब वाले आदमी को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी वो ग्रीन क्रिएचर वापस से शहर पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर साइमन उन्हें एक टनल से लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से भागते हुए उस मास्क वाले आदमी का पैर एक ट्रेन के अंदर फंस जाता है। जिंकी ये देखकर साइमन को भी उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन साइमन जब देखता है कि ग्रीन क्रिएचर उनके बहुत करीब आ गए हैं, तो साइमन जिंकी को समझाता है कि हमें इसे यही छोड़कर जाना होगा, नहीं तो ग्रीन क्रिएचर हमें भी अपने जैसा बना देंगे। लेकिन जिंकी साइमन की बात नहीं सुनती और मास्क वाले आदमी की मदद करने लगती है। ये देखकर साइमन अकेला ही वहाँ से आगे निकल जाता है और उस टनल का गेट भी अंदर से लॉक कर देता है। ये देखकर जिंकी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन उसकी बात नहीं सुनता। इससे जिंकी को लगता है कि सभी आदमी एक जैसे ही होते हैं जो मुसीबत में हमें अकेला छोड़ देते हैं। इससे वो काफी हर्ट हो जाती है और वो खुद को ग्रीन क्रिएचर के हवाले करने लगती है। ये देखकर वो मास्क वाला आदमी अपना मास्क उतार देता है, जिसका चेहरा बिल्कुल पिंकी जैसा था। ये देखकर जिंकी उस ग्रीन क्रिएचर के सर को दर्द से अलग कर देती है। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मास्क वाला आदमी को बाहर निकाल लेती है और उस टनल का गेट तोड़कर आगे बढ़ जाती है, जहां वो एक क्लिफ पर पहुंचते हैं। जिंकी उस मास्क वाले आदमी से कहती है कि अगर तुम मेरी बहन हो तो तुम लीशेंग पेगोड़ा से कैसे बच गई और तुम आदमी के शरीर में कैसे हो। तो रिप्लाई में मास्क वाला आदमी कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने खुद को यहाँ पाया था, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये विसल मेरे पास क्यों है। फिर जिंकी उसे बताती है कि मेरी बहन जिस आदमी से प्यार करती थी उसका दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसका शरीर उतना ही कमजोर था, इसीलिए मैंने तभी फैसला किया था कि मैं सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति से प्यार करूंगी जो मुसीबत में मेरी रक्षा कर सके। और जब मैं साइमन से मिली तो मुझे लगा कि वो मेरी रक्षा कर सकता है, लेकिन उसने भी मुझे मुसीबत के वक्त अकेला छोड़ दिया। इसीलिए मेरी सिस्टर सही थी कि प्यार में ताकत मायने नहीं रखती, बस ये मायने रखता है कि सामने वाले का दिल अच्छा होना चाहिए। तो फिर जिंकी उस मास्क वाले आदमी से पूछती है कि जब मैं यहाँ आई थी तो तुमने मुझे उस राक्षस से क्यों बचाया था। तो रिप्लाई में वो कहता है कि बस मेरे मन ने कहा कि मुझे तुम्हें बचाना चाहिए और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। इससे जिंकी भी बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी उस मास्क वाले आदमी को पसंद करने लगी थी। फिर वो दोनों साथ में उस फॉक्स डीमन के ठिकाने की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वो मास्क वाला आदमी जिंकी को बताता है कि वो फॉक्स डीमन अपनी मर्जी से यहाँ से बाहर आ जा सकती है, क्योंकि वो एक बिजनेस व्यूमन है जो अपना फायदा देखने पर हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। इसीलिए वो दोनों उस फॉक्स डीमन के पास पहुँचते हैं और उससे असुर विले से बाहर निकलने के दूसरे रास्ते के बारे में पूछते हैं। तो फॉक्स डीमन उन्हें बताती है कि एक दूसरा रास्ता भी है जिससे तुम अपनी यादों को बुलाए बगैर भी यहाँ से बाहर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अटैचमेंट का कुछ हिस्सा मुझे देना होगा क्योंकि उससे एक खास तरह का फ्यूल बनता है। फिर वो उन्हें तालाब के पास लेकर जाती है, जहाँ जिंकी देखती है कि साइमन भी वहीं होता है जिसने भी यहाँ से निकलने के लिए डीमन फॉक्स के साथ पहले से डील कर ली थी। इसलिए फॉक्स डीमन साइमन की कुछ यादों को अपने पास रख लेती है ताकि उससे फ्यूल बना सके। फिर जिंकी और वो मास्क वाला आदमी भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो फॉक्स डीमन उन्हें बताती है कि असुर विले में एक बहुत बड़ा स्नेक का स्टेचू है जिसकी पूंछ सर से कुछ ही दूरी पर है, और एक समय ऐसा आता है जब उस स्नेक की पूंछ और सर के बीच में एक ब्रिज बन जाता है। उस वक्त ही तुम्हें उस सांप के मुंह में कूदना है जिससे ही तुम असुर विले से बाहर निकल सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि उस स्टेचू पर ही वही ग्रीन क्रिएचर रहते हैं। फिर वो फॉक्स डीमन जिंकी के हाथ में एक टोकन पकड़ाकर उसके कान में कुछ सीक्रेट बात बताती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि विलियम अपनी पूरी सेना के साथ ओल्ड गुड मार्केट पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फॉक्स डीमन के सैनिक जब ये देखते हैं तो फौरन फॉक्स डीमन को इसके बारे में बताते हैं। ये सुनते ही फॉक्स डीमन विलियम के ऊपर अटैक करवाने लगती है और अपने मार्केट को चारों ओर से एक बहुत बड़ी चेन से कवर कर देती है, लेकिन विलियम पूरी प्लानिंग के साथ आया था इसीलिए उस चेन को काट कर अंदर घुस जाता है। तो फॉक्स डीमन उन दोनों के साथ वापस उस तालाब के किनारे आ जाती है जहाँ अब साइमन भी होश में आ गया था। तो फॉक्स डीमन उसे बताती है कि विलियम हम पर अटैक करने के लिए आ रहा है। तो साइमन को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने उसकी पूरी गैंग को भी खत्म कर दिया था। तो फॉक्स डीमन उसे बताती है कि वो पूरे असुर विले पर कब्जा करना चाहता है। तभी विलियम अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, तो साइमन भी तलवार लेकर उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जिंकी से माफी मांगता है। फिर वो विलियम पर अटैक करने लगता
लगता है, लेकिन विलियम बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए वो साइमन की तलवार तोड़ देता है। लेकिन साइमन कैसे ना कैसे करके अपनी टूटी हुई तलवार को विलियम के सीने में भर देता है। लेकिन विलियम को कुछ नहीं होता, क्योंकि एक मंत्रों के कवच ने उसे प्रोटेक्ट कर रखा था और वो साइमन को जान से मार देता है। ये देखकर जिंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो विलियम के सैनिकों पर हमला करने लग जाती है। तभी गलती से एक राक्षस का हथियार मास्क वाले आदमी के गले में लग जाता है, जिससे उसके चेहरे पर लगा हुआ मास्क खुल जाता है और हमें पता चलता है कि उस मास्क वाले आदमी का चेहरा बहुत ही बदसूरत था। इसीलिए उसने विलियम से मास्क लेकर अपने चेहरे पर लगा रखा था, क्योंकि उस दिन जब जिंकी ने तालाब में पिंकी की तस्वीर देखी थी तो उस मास्क वाले आदमी ने भी देख लिया था कि जिंकी पिंकी से कितनी ज्यादा अटैच्ड है। इसीलिए उसने अपने फेस को उस मुखौटे की मदद से पिंकी के जैसा कर लिया था, क्योंकि वो एक खास तरह का मास्क था जो अपने सोचने के हिसाब से चाहे जिस फेस में चेंज हो सकता था, और इसकी स्मेल काफी अलग थी, जिसकी वजह से विलियम उन तक पहुंच पाया था। ये सुनकर जिंकी को काफी गुस्सा आता है कि उसकी बहन नहीं है। फिर विलियम उस मास्क वाले आदमी को वो मास्क वापस देता है और उसे कहता है कि तुम चाहे जो बन सकते हो, चाहे तो तुम हमारी तरह मॉन्स्टर बन सकते हो या फिर नॉर्मल इंसान। लेकिन वो मास्क वाला आदमी वापस से पिंकी के फेस में ही आ जाता है, क्योंकि वो जिंकी को पसंद करता था। ये देखकर विलियम को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर विलियम के राक्षस फॉक्स डीमन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फॉक्स डीमन उस तालाब में कूद जाती है और अपने असली रूप यानी कि एक बड़ी सी फॉक्स में चेंज हो जाती है। फिर उस पानी का टोर्नेडो बनाकर सभी पर डालने लगती है, जिससे वो सभी मॉन्स्टर एक एक करके असुर विले से बाहर निकल रहे थे। साथ ही विलियम भी उस पानी के अंदर डूब जाता है। लेकिन फॉक्स डीमन मास्क वाले आदमी और जिंकी को एक बोर्ड दे देती है और उन्हें सेफली बाहर निकाल देती है, जिससे वो मास्क वाला आदमी और जिंकी बहते हुए किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां जिंकी उस मास्क वाला आदमी से पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तो वो मास्क वाला आदमी उसे बताता है कि जब मेरी पहली बार यहाँ आँख खुली थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग मैन ही पसंद है, इसीलिए मैंने उस जादुई मास्क से तुम्हारी बहन का चेहरा बना लिया था ताकि मैं तुम्हारे और करीब आ सकूं। ये सुनकर जिंकी उसे कहती है कि मैं गलत थी जो मैं स्ट्रॉन्ग मैन का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था और अब मैं असुर विले से बाहर जाकर मास्टर को मार दूंगी। फिर वो दोनों उस स्टेचू की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि विलियम अपने कवच की वजह से बच गया था, लेकिन उसके सभी मॉन्स्टर मारे गए थे, इसीलिए वो उस मास्क की स्मेल से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं जिंकी उस मास्क वाले आदमी को बताती है कि मुझे फॉक्स डीमन ने बताया था कि हमें उस स्टेचू को एक्टिवेट करने के लिए एक ग्रीन टनल में जाकर अपने दुश्मन को हराना होगा। तभी उन्हें वहाँ किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि एक अजीब सी बस होती है। जिंकी उस बस ड्राइवर को फॉक्स डीमन द्वारा दिया हुआ टिकट दिखाती है, जिससे वो बस ड्राइवर उन दोनों को अंदर आने देती है। फिर वो बस ड्राइवर उन्हें ग्रीन टनल का रास्ता बताती है और उसे कहती है कि जो तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा परेशान करता था या जिससे तुम डरते थे, उसे ही तुम्हें उस टनल में हराना होगा। तो जिंकी इसके लिए तैयार हो जाती है। तो फिर वो बस ड्राइवर उस टनल का रास्ता खोलती है, क्योंकि वो टनल और कहीं नहीं बल्कि उसी बस में था। फिर जिंकी उस मास्क वाले आदमी को बाहर छोड़कर उस टनल में जाती है और तभी वो अचानक बाहर आ जाती है। तो मास्क वाला आदमी जिंकी से पूछता है कि तुमने अंदर क्या देखा। तो जिंकी उसे बताती है कि मैंने अंदर मास्टर को देखा। फिर जिंकी उसे पूछती है कि मैं कितने टाइम से टनल के अंदर थी। तो मास्क वाला आदमी उसे कहता है कि तुम्हें अंदर जाए हुए तो सिर्फ पल भर ही हुआ है। तो जिंकी इससे काफी हैरान होती है, क्योंकि उसने अंदर काफी घंटों तक मास्टर से लड़ाई की थी। इससे वो समझ जाते हैं कि उस टनल के अंदर का एक घंटा बाहर के एक सेकंड से भी कम है। तो जिंकी फिर से उस टनल के अंदर जाती है, जहाँ मास्टर जिंकी को बताते हैं कि मैंने ही विलियम को असुर विले में भेजा था ताकि वो सभी डीमन और इंसानों को मारकर उनका पुनर्जन्म कर सके, और मैंने उसे एक कवच दिया था ताकि उसे कोई मार ना सके और वो सभी डीमन को मारकर उनका पुनर्जन्म करवा सके, जिससे सभी डीमन इंसान में बदल जाए। लेकिन विलियम ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने पूरे असुर विले पर कब्जा करने के लिए अपनी ही एक गैंग बना ली। ये सुनकर जिंकी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पुनर्जन्म नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मास्टर को मारने की कोशिश करती है। लेकिन मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसीलिए वो उसे ही हराकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जिंकी हार नहीं मानती और बार बार उस टनल में जाने लगती है, जिससे अब उसकी ताकतें भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन अभी भी मास्टर काफी ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए वो बार बार जिंकी को हरा दे रहे थे। जिंकी को टनल में लड़ाई करते करते काफी साल गुजर जाते हैं, लेकिन टनल से बाहर अभी भी कुछ ही घंटे बीते थे, मगर जिंकी अभी भी मास्टर को हरा नहीं पाई थी। वहीं दूसरी तरफ विलियम उस मास्क की स्मेल को सूंघकर उस बस का पीछा कर रहा होता है। वहीं जिंकी
जब वापस उस टनल में जाती है तो वो देखती है कि टनल में अब 20 साल गुजर गए थे और अब मास्टर बहुत ही बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। इसीलिए जिंकी अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके मास्टर पर अटैक कर देती है और इस बार मास्टर कमजोर होने की वजह से जिंकी से हार जाते हैं। ये देखकर जिंकी अपनी पावर का इस्तेमाल करके लिशेंग पेगोड़ा को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और अब मास्टर भी मुक्ति ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे मास्टर मुक्ति लेते हैं तो विलियम का कवच भी हट जाता है, जिससे विलियम वापस से एक नॉर्मल मॉन्स्टर बन जाता है। वहीं अब जिंकी उस टनल से बाहर आ जाती है, तभी अचानक उस बस का भी एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो देखते हैं कि उस सांप का स्टेचू ग्लो कर रहा है और सारे पेड़ और पौधे मिलकर पूंछ और मुंह के बीच ब्रिज बनाने लगते हैं। ये देखकर वो बस ड्राइवर उन्हें कहती है कि अब तुम असुर विले से बाहर निकल सकते हो, तो दोनों उस टेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं अब विलियम की भी सारी शक्तियां चली गई थी, इसीलिए अब वो भी असुर विले से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। जिंकी और मास्क वाला आदमी दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहां रास्ते में जिंकी उस मास्क वाले आदमी से कहती है कि मैं यहां से बाहर निकलकर अपनी सिस्टर को ढूंढूंगी और तुम अपने उस खास पर्सन को ढूंढना। तभी वो देखते हैं कि वहां सभी ग्रीन क्रिएचर सोए हुए हैं, इसीलिए वो बिना कोई आवाज किए वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि विलियम भी उनकी तरफ ही आ रहा है। ये देखकर वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वो सारे ग्रीन क्रिएचर जागृत हो जाते हैं और वो उन तीनों को रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एक ग्रीन क्रिएचर विलियम को बाइट कर लेता है, जिससे विलियम धीरे धीरे ग्रीन क्रिएचर में बदलने लगता है, जिससे वो और तेजी से उस सांप के मुंह की तरफ जाने की कोशिश करता है। वहीं जिंकी और वो मास्क वाला आदमी साथ में उस सांप के मुंह की तरफ जंप लगा देते हैं, लेकिन तभी विलियम उन दोनों को पकड़ लेता है क्योंकि वो पूरी तरीके से ग्रीन क्रिएचर में चेंज हो चुका था, जिससे वो तीनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी वो मास्क वाला आदमी विलियम को उसे काटने देता है, जिससे वो मास्क वाला आदमी मौका पाकर विलियम को जान से मार देता है। फिर वो मास्क वाला आदमी और जिंकी साथ में नीचे गिरने लगते हैं। जिंकी काफी सैड हो जाती है। तभी ग्रीन क्रिएचर बनने की वजह से उस मास्क वाले आदमी के पर निकल आते हैं और वो फुल स्पीड में जिंकी को लेकर ऊपर बढ़ने लगता है, क्योंकि अभी तक उसका सर ग्रीन क्रिएचर में चेंज नहीं हुआ था और वो किसी भी हाल में जिंकी को बाहर भेजना चाहता था। वो फुल स्पीड में उस रोशनी के पास जाकर जिंकी को उस रोशनी में फेंक देता है, लेकिन जिंकी उस मास्क वाले आदमी के बिना बाहर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसका हाथ नहीं छोड़ती। तो मास्क वाला आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं चल सकता। ये कहते हुए पूरी तरीके से खत्म होने लगता है, क्योंकि ग्रीन क्रिएचर उस रोशनी के दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे। जिंकी इससे काफी दुखी हो जाती है, जिससे उस मास्क वाले आदमी की विसल भी अलग हो जाती है, लेकिन जिंकी उस विसल को पकड़ लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिंकी वापस असली दुनिया में आ जाती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी बहन कहाँ पर है। तभी वो एक दिन विसल की आवाज सुनकर उसकी तरफ जाती है, तो वो वहाँ दूर लिशेंग पेगोड़ा को देखकर बहुत हैरान होती है। तो बांसुरी बजाते हुए बुजुर्ग आदमी उसे बताते हैं कि लिशेंग पेगोड़ा असली नहीं है, क्योंकि ये तो कई सालों पहले गिर गया था, लेकिन फिर इसे अब वापस बनाकर वहाँ एक म्यूजियम बना दिया गया है, जहाँ तुम जाकर वहाँ रखी पुरानी चीजों को देख सकती हो। तो फिर जिंकी उस म्यूजियम के अंदर जाती है, तो उसे अपनी बहन की वही हेयरपिन मिलती है जो मास्टर से लड़ते वक्त टूट गई थी। उस हेयरपिन को देखकर जिंकी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो उस हेयरपिन को बाहर लाकर उसे जोड़ने लगती है, लेकिन उस हेयरपिन का एक हिस्सा गायब था। तभी उसे उस मास्क वाले आदमी के विसल से उस हेयरपिन का आखिरी टुकड़ा मिलता है, जिसे जोड़ते ही वो हेयरपिन पहले जैसी हो जाती है। इससे जिंकी समझ जाती है कि वो मास्क वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन पिंकी ही थी, जो पहले ही लिशेंग पेगोड़ा से बाहर आकर असुर विले में पहुंच गई थी, लेकिन वो काफी बार सरवाइव ना कर पाने के कारण बार बार मर रही थी, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिली क्योंकि वो जिंकी से काफी ज्यादा अटैच्ड थी। लेकिन जब उसका जन्म मास्क वाले आदमी के रूप में हुआ था, तो जब वो असुर विले में पहुंची तो उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन वो जिंकी से अटैचमेंट महसूस कर रही थी, इसलिए उसने जिंकी को भी हर बार बचाया और एंड में भी उसने जिंकी को अपनी जान पर खेलकर असुर विले से बाहर निकाला। इससे जिंकी काफी इमोशनल हो जाती है। तभी वो हेयरपिन ग्लो करने लगती है और पिंकी की आत्मा वापस से पुनर्जन्म ले लेती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आपने अभी तक व्हाइट स्नेक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।